दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। यहाँ पर आपने देखा होगा थंबनेल में जो इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ मैं, बिल्कुल सटीक दिखाता हूँ मैं। और यहाँ पर यदि आप जो वीडियो पर अगर नए हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। शुरू में बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट में आप भूल जाते हैं वीडियो देख के आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आप भूल जाते हैं, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले पहले इनकी जो प्रॉब्लम है उनको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। एक भाई ये जो आर के शर्मा जी हैं, इन्होंने लिखा हुआ है ना वीडियो में, वैकेंसी में बाद में दिखाऊंगा, पहले इनकी जो प्रॉब्लम पहले वो सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि सर, सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज में गौतम बुद्ध नगर की जो प्योन वैकेंसी कब आएगी? क्या गौतम बुद्ध नगर की जो वैकेंसी के फॉर्म पहले ही निकल चुके हैं, बताने का कष्ट करें, रिप्लाई ज़रूर देना। गुड इवनिंग सर, वीडियो शुरू करने से पहले जो है इनका रिप्लाई मैं कर रहा हूँ। पहली बात यह है कि प्योन वैकेंसी अगर आपके ज़िले से अभी नहीं आई है, मैं आपको बता रहा हूँ लगभग जो है आपके 64 जिलों से जो है प्योन भर्ती संविदा की आ चुकी है, ठीक है। आपके अगर ज़िले से नहीं आ रही तो कम से कम गौतम बुद्ध नगर की तरफ से, गौतम बुद्ध की तरफ से आपके मैं ज़िले की भर्ती दिखा तो रहा हूँ, कम से कम उसमें आपको पता कितनी सैलरी मिलती है, 11,000 रुपये मैं आपको दिखा रहा हूँ सैलरी। देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये आपने देखा होगा कि अभी जो एटा की तरफ से जो है भर्ती आई थी प्योन भर्ती, उसमें सैलरी कितनी है, 11,000 रुपये सैलरी मिल रही है। 2 नवंबर 2023 इसमें आवेदन की अंतिम तिथि बताई गई है। तो यहाँ पर आप ये जो है देख सकते हैं, माना कि आपके जिले से अगर भर्ती नहीं आई है तो माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से एटा से भर्ती आई, एटा से भर दीजिएगा फॉर्म, 11,000 रुपये सैलरी, मात्र 11,000 रुपये के चक्कर में आप प्योन बनने के चक्कर में, 2 तारीख लास्ट डेट है, तो आप ये आपके ज़िले से जो भर्ती आई तो उसकी सैलरी आप देख रहे हैं 14,564 रुपये है ना, 14,500 रुपये आपको जो है सैलरी मिलेगी, उसमें 11,000 रुपये मिल रही है, इसमें 14,000 सैलरी, और आपके शहर की ही भर्ती दिखा रहा हूँ, जनपद गौतम बुद्ध नगर। आपने कमेंट किया था तो मैंने आपको दिखाया, और क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं है, बीए, आपको पता है बीए एमए पीएचडी वाले भी इसमें है ना प्योर भर्ती में, चपरासी भर्ती में फॉर्म भरते हैं, ठीक है, थीके? तो ज़्यादा बड़ी योग्यता नहीं है इसके अंदर का, तो 14,000 सैलरी है, और इसकी तिथि भी जो है 11, क्या ना मतलब क्या 2/11 मतलब होता है 2 नवंबर को इसमें जो है आप भर सकते हैं फॉर्म। और तो और एक भर्ती और है, एमटीएस ग्रुप डी की नौकरी, ये भी है, और ये भी आपके जो ज़िले से है जनपद गौतम बुद्ध नगर की तरफ से है ना, इसमें जो है 2 नवंबर मैंने मतलब 2 तारीख इसमें भी लास्ट डेट है, तो आप भर दीजिएगा, अगर ठीक है प्योन भर्ती आएगी तब मैं आपको बता दूंगा, अगर नहीं आ रही है जब तक आप ये वाला फॉर्म भर सकते हैं ना, सैलरी ज़्यादा मिल रहा है, प्योन भर्ती के पीछे क्यों पड़े हुए भाई, हाथ धोके नहा धोके, सीधी सी बात क्या वही है कि आप ये वाला फॉर्म भर दीजिएगा, जैसी फॉर्म भर्ती आएगी तो बता दूंगा। फिर भी जो है भाई को जो है मैंने कमेंट किया हुआ, नीचे देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये भाई का मैंने कमेंट किया, ये देख सकते हैं मेरे द्वारा, जब इन्होंने गुड इवनिंग लिखा मेरा दिल पिघल गया और मैंने तुरंत एकदम से रिप्लाई किया, यहाँ देख सकते हैं थोड़ा मैं छोटा करके दिखा रहा हूँ, ये इन्होंने कमेंट किया, मैंने इसका रिप्लाई कर दिया और वीडियो के माध्यम से रिप्लाई कर दिया मैंने। मेरी आज जो है मुलाकात अधिकारियों के साथ हुई थी, और मैं अधिकारियों के साथ तस्वीर दिखाऊंगा मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ में, और यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मतलब यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो है 40,000 पदों पर जो है सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए बोला गया था, ठीक है। ये गवर्नमेंट जो है 2023 का ही है, अभी कोई इतना पुराना नहीं है, 2023 में ही भर्ती आएगी, और ये जो है इलेक्शन से पहले पहले भर्ती होगी। अधिकारियों के साथ वार्तालाप हुई है, उसकी मैं आपको कुछ फोटो दिखाऊंगा मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ में, ठीक है। और क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, मेरे को इन्फॉर्मेशन कौन देता है अभी आप समझ सकते हैं, अगर वीडियो बनाता हूँ इन्फॉर्मेशन कौन देता है, अधिकारियों के साथ जो है वार्तालाप होती है, मीटिंग होती है, उन्हीं के द्वारा इन्फॉर्मेशन जो मिलती है उन्हीं के द्वारा जो है मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ। इसलिए यहाँ पर जो चंडीगढ़ की तरफ से जो लेक्चरर के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं आप इन पदों पर जनरल एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं भर दीजिए, गवर्नमेंट है ये, ठीक है। अभी केवल जो है पीजीटी के पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है, और यहाँ पर देखते हैं लास्ट डेट जो है यहाँ पर जो आपको जो है बताया गया, यहाँ पर देखो 25 अक्टूबर तो स्टार्ट डेट है मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन की, ठीक है। 16 नवंबर इसमें जो है आवेदन की अंतिम तिथि बताई गई है, 20 तारीख तक फीस जमा कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको आवेदन कैसे करना है, आवेदन ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, इस वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये वाला फॉर्म आप ये भर सकते हैं, टीचर बनने के लिए जो है यहाँ पे भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। ये रहा इसका जो है, इस बारी बारी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ, थंबनेल में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ बारी बारी से, इस वाली वेबसाइट पर जाकर आपको ये वाला फॉर्म जो है भर देना है। और मैं आज जो अधिकारी के साथ में बैठा हुआ था तो मैंने उनसे बोला कि सर एक बात बताइएगा, यहाँ पे एडेड कॉलेज के अंतर्गत तो बताया गया कि जो जूनियर हाई स्कूल होते हैं वहाँ पे संविदा पर रखे जाएंगे बाबू और चपरासी, तो जो है ये भर्ती कब तक आएगी? तो बहुत से लोग जो है बेवकूफ़ समझ रहे होंगे ना, उन्होंने कहा मैंने कब से वीडियो, कम से कम 400 से 500 वीडियो मेरी चपरासी भर्ती की पहले बनी हुई थी, और आपकी मैं कुछ है याद है आपको ताज़ा कर देता हूँ, ये जब मैं इन्फॉर्मेशन दिखाता था ना तो लोग और हंसते थे मेरी वीडियो पर, ठीक है। और आज जब वही लोग फार्म भर रहे हैं और नौकरी ले रहे हैं, ठीक है,
और देख लीजिए आज ये लोग जो है नौकरी लेके बैठे हुए हैं। जब मैं वाली वैकेंसी दिखाता था इंटर कॉलेज में आने वाली कब तक आएगी भाई, और आज ये खुद नौकरी लेके बैठे बड़े, चाहे भले संविदा की नौकरी हो कोई बात नहीं, अलीगढ़ में चपरासी भर्ती के मुझे जॉइन लेटर मिल गया। मतलब इनके लिए अब खुशखबरी है, पहले यही लोग जो अब्यूज़ करते थे, अरे सर क्या है कुछ नहीं होने वाला सरकार में, कुछ नहीं घंटा कुछ नहीं हो रहा है, इस तरीके से बोलते रहते थे। और जो है आज मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है, ये देख सकते हैं मेरा फोटो यहाँ पर है ये, और यहाँ पर जो अधिकारी हूँ साथ में मैं जो हूँ बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है इस तरीके से ये जो है ब्रेक, ये हमारा नाश्ता चल रहा था, अधिकारी के साथ मीटिंग थी, मेरा ये अलग फोटो आप देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि वैकेंसी 100% होगी सर, आप बता दीजिएगा इलेक्शन से पहले पहले ये जो है जूनियर हाई स्कूल भर्ती जरूर आएगी, ठीक है। ये इमेज के माध्यम से मैंने थंबनेल लिखा हुआ, अधिकारी के साथ मीटिंग हुई थी, तो मीटिंग जो हुई थी आज हुई थी मेरी, ठीक है, लगातार, क्योंकि यही इन्फॉर्मेशन मेरे को देते हैं और तभी मैं जो अपने चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि भर्ती आने वाली है। पहले भी मैंने बताई थी प्योन वैकेंसी आएगी, 100% आएगी, सब लोग हाजिर रहे थे, और आज वही लड़के जो है नौकरी लेके बैठे पड़े, चाहे भाई संविदा की नौकरी लगी कोई बात नहीं। और तो और मेरे चैनल के माध्यम से अगर किसी को नौकरी मिल रही तो अच्छी बात है, ठीक है। और यदि आपने हाई कोर्ट का फॉर्म अगर नहीं भरा भर दीजिएगा भाई, अच्छी बात है, ये नौकरी अच्छी नौकरी है। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है चपरासी सफाई कर्मचारी फरार रसोई सभी भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका सरकार। तो ये जो भर्ती निकाली गई है प्योन भर्ती है, ये 32 पदों पर सरकारी है ये, और ये रही प्रोसेस सर्वर, ठीक है, कोर्ट में भर्ती आ चुकी है, ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये, और ये पूरा वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो बताया गया है फॉर्म कैसे बनना, फॉर्म इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यहाँ फॉर्म आप ये जो है तो भर सकते हैं। बहुत से हमको कहेंगे कि सर हमको जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती दिखाइए, तो यहाँ पे कनिष्ठ लिपिक की भर्ती जो है 10,730 रुपये मिलेंगे आपको, इंटरमीडिएट मांग गया है, और जो है ये आप कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी है, आप जानते हैं कोर्ट कचहरी में कितनी कमाई होती है आप भी सब जानते हैं, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कम से 10,000 तो केवल ये नाम के होते हैं, 30-40 हज़ार रुपये कमा लेते हैं, सही है, आप भी जानते हैं। तो ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, इस वाली ऑफिशियल वेबसाइट जाकर ये वाला लिपिक भर्ती का फॉर्म जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जो है आपका आ चुका है, ठीक है, तो यहाँ पर जाके ये आप भर सकते हैं फॉर्म। बात करें कमेंट की, बनारस का चपरासी भर्ती कब तक आएगा, तो आने वाला है अभी कुछ जिलों में, अब एटा का आ चुका है आपका, हाथरस कासगंज अलीगढ़ सबका आ चुका है। अच्छा, सरकारी चपरासी भर्ती महिला भी आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, टेंशन बिल्कुल फ्री रहिएगा, ठीक है। आरओ यारओ इलाहाबाद हाईकोर्ट का आने वाला है, यहाँ पर लिखा हुआ प्रणाम सर, आपको प्रणाम भी मेरी तरफ से, संस्कृत विद्यालय का भी है, समाचार प्रदान कीजिएगा। संस्कृत विद्यालयों के अंतर्गत मैंने आपको बताया था ना 12,000 में टीचर रखे गए थे, मैंने आपको बताया था, इसलिए आपको जो है आप ओल्ड वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ सर चपरासी भर्ती में ज्वाइनिंग लेटर जो है मिलने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है या नहीं होता, भाई एक बात बताइएगा, आपकी जब मेरिट बनती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही बनती है, ठीक है, बाद में नहीं कराते, वो बात अलग है, जिस कॉलेज में आप जाएंगे तो वहाँ पे देख सकते हैं, और जहाँ जहाँ इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पे देख सकते हैं, पर उससे पहले पहले वो ऑलरेडी देख चुके होते हैं। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना तो वहीं पर आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर के बाद ज्वाइनिंग लेटर तो आपको मिल जाएगा, जब आप इंटरव्यू देने हैं तभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और कॉलेज वाले देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं। फिलहाल जो है आप डॉक्यूमेंट अपने साथ रखिएगा, और ज्वाइनिंग लेटर के टाइम पर जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है, तो केवल और केवल इंटरव्यू दीजिए और ज्वाइनिंग लेटर लीजिएगा, ठीक है। 40,000 सफाई कर्मचारी भर्ती कब तक आई मैंने आपको दिखा दिया, अभी 40,000 के पदों के बारे में बताया था मैंने, ठीक है। सर मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लखीमपुर खीरी में जो हूँ प्रदेश इसमें हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोई लेटर जो है नहीं आया अभी तक, उसमें आने वाला, टेंशन मत लीजिए, इंटरव्यू दे दिया है आपका हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है, टेंशन फ्री रहिएगा। और यहाँ पर देखो सर प्रणाम, आपको प्रणाम 2600 जो परमानेंट भर्ती आई थी आपने GIC बताई थी वो इलेक्शन से पहले पहले हो जाएंगी, टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस, थैंक यू वेरी मच।